इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा मीटिंग में तय किया गया था, मीटिंग में जैसे बड़े लोगों ने मशवरे दिए थे, जो मशायकीन हैं, उलेमा हैं, बाकी लोगों के जो अंजुमन के लोग हैं, उनके मशवरे के हिसाब से जो भी बंदोबस्त थे, चाहे वो ट्रैफिक का अरेंजमेंट हो, चाहे वो पार्किंग का हो, ख़ासतौर से ख़वातीनों की हिफाजत के लिहाज से भी तकरीबन सभी बंदोबस्त मुकम्मल किए जा चुके हैं। हमारे CP साहब ने भी ख़ास तौर पर इसके बाद में एक मीटिंग करके और जो भी मशवरे दिए गए थे, जो भी जो रिक्वेस्ट की गई थी, उस सभी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे मुकम्मल इंतज़ाम करने की हिदायत दे दी गई है। और ख़ास तौर से जैसा हम सबको पता है कि 10 मुहर्रम का जो मातमी जुलूस होता है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी के मद्देनज़र आज आके हमने पूरे एहतराम अदब के साथ में, या बीबी के अलावा में मैं आया, हमारे साथ में बाकी अफसरान हैं, आप लोग हैं, और अपना अदब पेश करने के बाद में फिर हम थोड़े से इंतजाम देख रहे हैं कि कल किस तरीके से पूरी शान और अदब के साथ में, एहतराम के साथ में आलम की यहाँ से निकासी होगी। उस वक्त में इस बार जो एक ख़ास तौर से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि दोनों तरफ नेट लगा के, और जिससे कि मातमी जो अंजुमन है या जो लोग मातम कर रहे हैं, उनको भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो और आलम की शान में भी कोई कमी ना आने पाए, तो बीच से लेके उसको हाथी पर सवारी कराने के, उसके बाद में पूरे जो रूट है, तकरीबन 7 किलोमीटर का रूट, उसको पूरा देख लिया गया है। जहाँ भी छोटी मोटी कमियाँ हैं, वो मुकम्मल करा के पूरे शान और अदब के साथ में वो जुलूस निकाला जाएगा। और आप सभी को पता है कि हम सभी लोग मुहर्रम के मातम में शरीक होते हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पे मैं सभी से फिर एक बार अपील करता हूँ कि आपस में किसी किस्म की कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। ये इमाम हुसैन साहब की शान में गुस्ताखी हो, और वो कोई भी हैदराबादी भी कबूल नहीं कर सकता। मैं इमाम हुसैन साहब सबके हैं, मैं सभी लोगों से एक बार हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर कल के इस जुलूस में आप अपना ताउन दें, और पूरी तरीके से हम लोग आपके साथ रहेंगे, और जैसे इंशाल्लाह हर बार जुलूस निकलता है, उसी शानो अदब के साथ में जुलूस निकलेगा। ही मैं बता रहा था, जब पहली चीज़ आप देखिए कि इस बार जो एक हम लोगों को मशवरा दिया गया था कि दोनों तरफ हम लोग नेट लगाएं, जिससे कि आलम को निकालने में दिक्कत ना हो। दूसरी बात, पूरे रूट के दौरान हमने हर इम्पॉर्टेंट जंक्शन पर एक इस बार खास अफसर को की तैनाती की है, और उन सभी अफसरान की रूट के देखने के बाद में मीटिंग एक तामीर की गई है। वो उसमें मीटिंग में जो पूरे उनको हिदायत दी जाएंगी, ताकि जो नए अफसरान आए हैं उनको भी इसके बारे में पूरी जो है हिदायत दी जा सके। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट जंक्शंस जैसे हुए, जहाँ पे जैसे मीर चौक से आपको पता है पुरानी हवेली के बीच के जंक्शन में बहुत सारी अंजुमन वहाँ आती हैं, तो वहाँ पे खास इंतज़ाम किए जाएंगे। इसी तरीके से GHMC के मुतालिक से उनसे करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट से, मातमदारों को किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो, उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो, उसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। और जितनी भी खवातीन हैं, ख़ास तौर से जो इस बार हमको हिदायत दी गई थी या जो मशवरे दिए गए थे, उनकी हिफाजत के लिए भी ख़ास तौर से शी टीम और क्राइम टीम की तैनाती की।